आज हम आपकी लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी तरीके के नाश्ता की रेसिपी। चाहे तो आप बच्चों को इसको लंच में दे सकते हो, ऑफिस वालों को टिफिन में दे सकते हो, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ निगम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे लिया गेहूं का आटा, जैसे कि हम डेली यूज करते हैं बस वही गेहूं का आटा है। यहाँ पे एक चम्मच डालेंगे पुदीने का पाउडर, एक चम्मच भर के डालेंगे अदरक लहसुन और हरा मिर्च का, दरदरा से हमने पीस लिया है बस इस तरह से डाल देते हैं। थोड़ी सी डालेंगे हरा धनिया। सभी चीज़ों को बढ़िया तरह से मिक्स कर लेते हैं। चाहे तो आप एक दो चम्मच इसमें ऑयल डाल सकते हो जो आपको पसंद हो, चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा बढ़िया सॉफ्ट से लगा के रख लेंगे, जैसे कि हम रोटी पराठा के लिए लगाते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल सकते हो। तो लीजिए, आटा को हमने लगा के रख दिया है, कुछ इस तरह का है। तो इसको कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख लेते हैं, उसके बाद में कुछ आगे का काम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने प्याज लिया है, प्याज को बढ़िया तरह से काट लिया है और इसको बराबर से बढ़िया से खोल दिए। तो यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा नमक, इससे क्या होगा थोड़ा सा प्याज जो है हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। तो चलिए इसको भी साइड में रखते हैं। यहाँ पे हमने लिया है चटनी की, जैसे कि मैंने बताया आपको, हरा मिर्च और यहाँ पे अदरक लहसुन, नमक इसमें हमने नहीं डाला है, बस इस तरह से पीस के रख लिए हैं। तो इसको भी साइड में रखते हैं। हमने यहाँ पे लिया मिक्सर जार, यहाँ पे डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च। तो इसको हमने गर्म पानी में भिगो दिया था, बस इस तरह से डाल देते हैं। यहाँ पे हमने लहसुन लिया 10-12 कलियाँ और यहाँ पे हमने मूँगफली लिया है। चाहे तो आप भून करके भी इसको बना सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ इस तरह से बना रहे हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। यहाँ पे हमने काजू लिया है और एक बादाम लिया है, इसको भी डाल देते हैं। यहाँ पे डालेंगे पानी, ये नॉर्मल पानी है, चाहे तो थोड़ा सा ठंडा पानी का प्रयोग कर सकते हो। तो लीजिए, हमने बढ़िया तरह से पीस लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम परफेक्ट हो गई है। तो इसको साइड में रखते हैं। गैस पे हमने एक पैन रख दिया, इसमें डाल दिया सरसों का तेल। तो यहाँ पे डालेंगे राई और यहाँ पे डालेंगे करी पत्ता, यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। गैस को हमने एकदम धीमा रखा है और यहाँ पे डालेंगे हींग। अब इस पेस्ट को हम इसमें डाल देते हैं। जार को धो करके इस तरह से पानी डाल देते हैं। सारी चीज़ों को बढ़िया तरह से पका लेना है, कम से कम 5 मिनट तक, ताकि सारे फ्लेवर जो है इसमें आ सकें। एकदम धीमी आंच से प्रोसेस को करना है। लीजिए, हमने 2 से 3 मिनट तक पका लिया है, काफ़ी बढ़िया से कलर भी आ चुका है, क्योंकि काश्मीरी लाल मिर्च है जो है इससे काफ़ी बढ़िया से कलर भी आ जाता है। देख सकते हो कुछ इस तरह का है। तो अभी इसको 2-3 मिनट तक अभी हम और पकाएंगे। यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा मैगी मसाला, इससे काफ़ी बढ़िया से फ्लेवर बढ़ जाएगा, अगर है तो ज़रूर डालिएगा। 5 मिनट के बाद में यहाँ पे डालेंगे विनेगर, जैसे कि विनेगर से क्या होगा, अगर इसको हम स्टोर करेंगे तो काफ़ी दिनों तक चलेगी। तो बहुत बढ़िया से यहाँ पे हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। इसको 1 मिनट के बाद में बस इस तरह से चलाते हुए पका लेना है, उसके बाद उतार के बाहर रख लेना है। तो लीजिए, टोटल हमने 7 मिनट तक इसको बढ़िया तरह से पका लिया है। अब इसको बाहर उतार के रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो लीजिए, आटा हमारा सेट हो चुका है। इस तरह की लोइयां काट लेना है और इसको बढ़िया तरह से बेल लेना है। जैसे कि दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों को हम अलग अलग नाश्ता बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी सारी बहनें बढ़िया से अपने बच्चों को नाश्ता बना के खिला सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम बात करते करते बढ़िया तरह से बेल लिए, कुछ इतना पतला है। यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा घी, चाहे तो आप बटर का प्रयोग कर सकते हो। और यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि हमने लहसुन अदरक हरा मिर्च की चटनी बनाई है, तो इसको भी डाल देते हैं। यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया। इसको बढ़िया तरह से मिलाएंगे, सारी जगह पर बढ़िया तरह से फैला देंगे। अगर आप चाहो तो लाल मिर्च का प्रयोग कर सकते हो, बस इस तरह से इसको कट कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से लेना है, इसको बढ़िया तरह से फोल्ड कर लेना है घुमाते हुए। बहुत अच्छा लग रहा है बनाने में, यहाँ पे आप देख सकते हो। बस इसको इस तरह से करना है और इस तरह से दबा देना है। ये देखिए, इस तरह से बन चुका है। सूखा आटा लगा के बढ़िया तरह से बेल लेना है
हमने इतना कुछ बेल लिया है, तो यहाँ पे प्याज को रखेंगे बस इस तरह से। थोड़ी से हरी धनिया फिर से ऊपर से इस तरह हल्का हल्का प्रेस कर देना है ताकि बढ़िया से रोटी में कोट हो सके। यहाँ पे बेलन को लेना है, बस हल्का हल्का ऐसे बेल लेना है, बिल्कुल हल्के हाथ से, तो ये बढ़िया से अब्जॉर्ब कर लेगा। तो लीजिए, हमने बढ़िया तरह से बेल लिया है, तो चलिए इसको बढ़िया तरह से सेक भी लेते हैं। गैस पे तवा हमने पहले से रख दिया था, ये गर्म हो चुका है। इस तरह से डालते हुए धीमी आंच से सेक लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से किनारों में हल्का हल्का घी डाल देते हैं ताकि रोटी बढ़िया तरह से चिपके नहीं, जल्दी से निकल भी जाए। बस इस तरह से थोड़ी देर के बाद भी पलट देते हैं। चाहे तो आप बटर लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, चाहे घी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने घी का प्रयोग किया है। इस तरफ भी हल्का हल्का से घी लगा देते हैं। दोनों तरफ उलट पलट के, जैसे कि हम पराठा बनाते हैं, सेम वही रेसिपी दोस्तों, घबराइएगा नहीं। उलट पलट के इसको बढ़िया तरह से सेक लेते हैं। तो लीजिए, हमने बढ़िया तरह से सेक भी लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बढ़िया बना है। तो इसी तरह हम सभी को बना के रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने पराठों को बढ़िया तरह से सेक लिया है। बारिश में जब इस तरह के पराठा मिल जाते हैं, खासकर सुबह, तो दिन अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बहुत हेल्दी और टेस्टी से पराठा रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा से क्रिस्पी हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा से हमने दूसरे तरीके से बनाया है, तो काफ़ी बढ़िया बने हैं। इसको तो बच्चे एकदम मांग मांग के खाएंगे। देख सकते हो कितने बढ़िया बने। यहाँ पे हमने चटनी को रख दिया है। ये चटनी हमारी बहुत चटपटी है, तो आप भी इस तरह से बारिश में बनाकर बच्चों को लंच में दे सकते हो, सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हो। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो हमारी ज़रा से भी अच्छी लगती है आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सारे बच्चों को नाश्ता का सवाल रहता है कि बच्चों के हम तरह तरह नाश्ता क्या बना के दें, तो सारी बहनों को आसान हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।